डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे से सेम आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऋग वैदिक कालीन देवता के बारे में। यह भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे, क्या है ऋग वैदिक कालीन देवता के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, एक तरफ देवता है तो दूसरा तरफ संबंध है, मतलब किस देवता का संबंध किस चीज़ से है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जिसका ट्रिक बनेगा उसका मैं ट्रिक आपको बनाकर दिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़िए आगे, क्या है, पहला है दोस्तों इंद्र। तो इंद्र का संबंध किससे है, युद्ध के नेता। इंद्र का संबंध है युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता। ये आपको पहले से पता होगा फ्रेंड्स कि इंद्र का संबंध, जो इंद्र भगवान जो हैं वो युद्ध के नेता है और वर्षा के देवता। ये आपने बहुत सारे सीरियल्स में भी देखा होगा दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा कि जो भगवान इंद्र है उनका संबंध किससे है, वर्षा, ठीक है, वह वर्षा कराते हैं, ठीक है, और युद्ध के नेता भी हैं। तो आपको याद रखना है कि इंद्र का संबंध किससे है, युद्ध का नेता और वर्षा के देवता से, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि। तो अग्नि का क्या काम है, तो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करना, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करने का काम कौन करेंगे, कौन से देवता हैं, तो वो है अग्नि, ठीक है, अग्नि, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे आपको याद रखना अग्नि को। नेक्स्ट आगे क्या है, वरुण। तो वरुण का संबंध किससे है, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं, ठीक है, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक, ठीक है, नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, और क्या है जो दोस्तों ऋतु परिवर्तन है, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ दोस्तों। देखिए क्या है, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करता, ये सारे वरुण हैं, ठीक है, थीके? आपको तो वरुण को याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, कि वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता भी हैं, ठीक है, पहला चीज़। फिर कौन है, तो समुद्र के देवता भी हैं, विश्व के नियामक भी हैं, शासक भी है विश्व के, ठीक है, ये सारा कुछ वरुण देवता हैं, सत्य का प्रतीक भी है, ऋतु परिवर्तन है, दिन रात है, तो ये सारे के सारे कौन है, वरुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है दोस्तों एक सेकंड ध्याव। हकीकत में ध्याव नहीं लिखा हुआ दोस्तों, ये ध्याव इस तरीका से लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए, कुछ ध्याव लिखा हुआ है, ध्याव होता है, ठीक है, ध्याव नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मैं इसे और अच्छे तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीका से लिखा हुआ है, देखिए ऐसे करके लिखा हुआ ध्याव, ध्याव पढ़ते हैं इसे। तो ध्याव क्या कौन है, आकाश के देवता हैं, जो कि सबसे प्राचीन देवता हैं, ये भी आपको याद है, सबसे प्राचीन देवता ध्याव, यानी आकाश के देवता और सबसे प्राचीन देवता, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसे आपको याद रखना है कि ध्याव जो हैं, ध्याव वो किसके हैं, तो आकाश के देवता हैं। और आपसे अगर ये पूछते कि सबसे प्राचीन देवता कौन है, तो ध्याव ही सबसे प्राचीन देवता हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है सोम। ये तो आपको पता होगा, सोम जो है वो वनस्पतियों के देवता हैं, ठीक है दोस्तों, सोम आपको याद रखना है कि सोम किसके हैं, तो ये वनस्पतियों के देवता हैं सोम, ठीक है, ये तो आपको पहले से पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखिए आगे क्या है, उषा। तो उषा क्या है दोस्तों, प्रगति एवं उत्थान के देवता, ठीक है, देखिए ऐसे इसको ऐसे करके याद रखिए कि देखते हैं दोस्तों, उषा, उषा मतलब क्या होता है, एक तरीका से प्रकाश होता है, उषा मतलब प्रकाश, तो प्रकाश जो क्या जिसका प्रतीक है, प्रगति, एक तरीके का प्रगति है, ठीक है, प्रगति और उत्थान है, ठीक है, जिसके जीवन में उषा है, प्रकाश है, यानी वो प्रगति करेगा, प्रगति एवं उत्थान के देवता। ये नाम ही सुनने पर ऐसा कोरिलेट करेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि उषा जो होगा वो प्रगति एवं उत्थान के देवता देवता हैं, ठीक है, उसके प्रतीक हैं, ठीक है, चलिए उषा आपको याद रहेगा, प्रगति एवं उत्थान के देवता कौन है, उषा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अश्विन। तो अश्विन कौन है, विपत्तियों को हारने वाले देवता, ठीक है, विपत्तियों को हारने वाले देवता कौन है, अश्विन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है अश्विन को,
ठीक है, यानी प्रॉब्लम अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है या कठिनाई जीवन में कठिनाई आता है तो या फिर विपत्ति वही प्रॉब्लम जो हो गया दोस्तों, तो उसको हरने वाला कौन देवता है, तो अश्विन है, अश्विन उनको हरने वाले देवता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे है पूसन, तो पूसन जो है पशुओं का देवता है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, देखिए वर्ड कोरिलेशन ही दिख रहा है दोस्तों, पूसन को मिलाइए और पशु को मिलाइए, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा दोनों एक दूसरा से वर्ड कोरिलेट है, तो पूसन जो है वो पशुओं के देवता है, पूसन किसके हैं, पशुओं के देवता, तो ये आपको याद रखने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश का, इंग्लिश वोकेबुलरी का भी आपको सेट मिलेगा, जिसमें आपको फाइव एंटो, फाइव साइनो, फाइव OWS, फाइव आइडियम्स और फ्रेजेस, ये सारे कुछ आपको उपलब्ध है दोस्तों, तो आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको GK GS का पोर्शन भी, और हाल ही फिलहाल में बायोलॉजी का डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हुआ है दोस्तों, अभी मात्र अभी सेकेंड अभी दो पार्ट्स बना है दोस्तों, दो पार्ट्स है, आप जाकर चैनल पर विजिट्स कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं जाकर चैनल पर, और बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, फिगर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप जाकर वहां पर बायोलॉजी को विजिट करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है विष्णु, तो विष्णु क्या है, विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, तो आप पहले से भी पता होगा। ठीक है, जो संरक्षण जो है प्रोटेक्शन करने का काम कौन करते हैं, विष्णु करते हैं, पालन करता कौन है, तो विष्णु ही है। ठीक है, तो भगवान विष्णु क्या क्या है, विश्व के संरक्षक और पालन करता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब लास्ट होगा दोस्तों, लास्ट क्या है, मरुत, तो मरुत जो है वो आंधी तूफान के देवता है, मरुत क्या है, आंधी तूफान के देवता। ठीक है, ये आपको याद रखना, मरुत जो है आंधी तूफान के देवता है। आपने देखिए दोस्तों, ये जो बजरंगबली जो है हनुमान जी, उन्हें मरुत भी कहा जाता है ना, मरुत भी कहा जाता है, मारुति कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आंधी तूफान के वो देवता हैं। ठीक है, आंधी तूफान मतलब मरुत जो है वो किनके देवता है, आंधी तूफान के देवता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना, आप सिनोनिम्स में या ये पर्यायवाची शब्द में इसके बारे में पढ़ा होगा दोस्तों कि मरुत का संबंध किससे होता है, तूफान से होता है, आंधी तूफान से होता है। ठीक है, जिसे आप बोलते हो ना पवन देव, ठीक है, तो वही है मरुत, यानी आंधी तूफान के देवता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या है, तो अब आगे समाप्त हो चुका है दोस्तों, तो यही 10 देवता था, 10 देवता थे, और उनका संबंध किस किस क्षेत्र से है, किस किस चीज़ से है, उसके बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। लेकिन ये सब ऋग्वैदिक कालीन देवता है दोस्तों, ऋग्वेद, ठीक है, जिस समय ऋग्वेद का स्थापना हुआ था, ऋग्वेद के ये समय के बाद है। ठीक है, उस समय ऋग्वेद की स्थापना हुई थी, उसी समय की ये देवता देवता है, और उसका संबंध किस किस चीज़ से है, तो आज हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक को कवर किया। ठीक है, आगे हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, जैसे आपको जितना भी ये GK का भी पोर्शन जो मिल रहा होगा, ये टोटल का टोटल हिस्ट्री का पोर्शन है दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में पहले भी पूछा हुआ है और आगे भी पूछने की संभावना है, चाहे वो आपका UP लेखापाल आने वाला, UPSI है, UP पुलिस है, कॉन्स्टेबल है, या फिर बिहार बिहार का जितना भी वैकेंसी है, वो सारे चीज़ों में ये पूछने की संभावना है, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो मैंने एक बस एक सीरीज स्टार्ट किया, पहले मैं पूरा हिस्ट्री जितना है दोस्तों, जो मेन मेन चीज़ है, ठीक है, वो हिस्ट्री का मेन मेन चीज़ मैं यहाँ पर कवर करवा दूंगा। ठीक है, इसके पहले और भी बहुत सारा टॉपिक्स आया है हिस्ट्री का। ठीक है, तो पहले हिस्ट्री का क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस का अगर आपको पॉलिटिकल साइंस विस्तार से पढ़ना है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर वो भी उपलब्ध है। ठीक है, अभी स्टार्ट ही हुआ है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको कुछ एक्ट के बारे में बताया जा रहा है, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, फिर आपका बहुत सारा जो एक्ट आया है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, तो वो सारे चीज़ मतलब अभी शुरुआत ही हुआ है पोल साइंस। ठीक है, तो आप पोल साइंस को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, आ इधर जो जो मैं ये करवा रहा हूँ हिस्ट्री का पोर्शन, ये आपका स्टैटिक पोर्शन है दोस्तों। ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन है, आप चाहे तो जिस समय कभी भी देख सकते हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, सोने वक्त भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप देख लीजिए, करीब 10 मिनट का GK होगा, 8 मिनट, 5 मिनट, इस तरीका से ये इसका समय होता है, तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वीडियो स्किप करके मत देखा करिए दोस्तों। ठीक है, तो ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस का जो स्टैटिक पोर्शन है, जिस तरीके से हिस्ट्री में करवा रहा हूँ,
तो वहाँ भी करवाऊँगा। फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स होगा, फिर ज्योग्राफी होगा, ठीक है। तो पहले मैं SST का जितना भी ब्रांच है, जितना ब्रांच है उसका पहले मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं साइंस में पढ़ूँगा। साइंस में फ़िलहाल तो बायोलॉजी आपका डिस्क्रिप्टिव चल ही रहा है, इसके अलावा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है और एक का मिसलिनियस है दोस्तों, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी है। तो उससे उस चीज़ से संबंधित भी इस तरीके का स्टैटिक जीके मैं अपने चैनल पर लाऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और चैनल को सपोर्ट बनाए रखना है, और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए कि ये सारा पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, आगे फिर हिस्ट्री से संबंधित और भी नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।